नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही काले कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय जवान जय किसान बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाएगी महाविकास आघाड़ी की सरकार। नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। तीनों ही दल पहले भी केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ थे और अभी भी हैं और इसके खिलाफ आगे भी रहेंगे और किसानों के समर्थन में खड़े हैं, ये यहां पर कहना है महाविकास आघाड़ी सरकार का। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, महाविकास आघाड़ी सरकार के इस फैसले पर किसान संगठनों ने कहा है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और अब इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसे में सरकार को राज्य विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके सख्त और स्पष्ट रुख अपनाने की जरूरत है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक और राज्य यानी कि महाराष्ट्र में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बड़ी खबर दोस्तों फ्रांस से सामने निकल के आ रही है राफेल सौदे की न्यायिक जांच। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और तत्कालीन रक्षा मंत्री, सबसे होगी पूछताछ, सबका लगेगा नंबर। आप लोगों को बताते चलें, राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित धांधली की जांच की आज फ्रांस के बड़े नेताओं पर भी पड़ती नजर आ रही है। इस मामले की जांच कर रहे जज फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस बा ओलांद समेत कई नेताओं से पूछताछ कर सकते हैं। यही नहीं, वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से भी सवाल जवाब यहां पर किए जा सकते हैं। मैक्रॉन सौदे के वक्त वित्त मंत्री थे और ओलांद राष्ट्रपति थे। दूसरी ओर भारत में भी इसको लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने भी जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरा है और जेपीसी की जांच की यहां पर मांग कर दी है। इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो लगातार राफेल सौदे में बड़ी धांधली का आरोप लगाते रहे हैं और राहुल गांधी का पहले का दावा अब यहाँ पर सच भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है और मोदी सरकार अब आ चुकी है विपक्ष के निशाने पर। और वहीं अब यहां पर सवाल तो पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के उस फैसले पर भी खड़े हो रहे हैं जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को राफेल सौदे के यहां पर मामले को लेकर के क्लीन चिट दी थी, लेकिन अब यहां पर रंजन गोगोई के फैसले पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, कर्नाटक से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है सामने, सीएम येदुरप्पा को लगा है बड़ा झटका, कोर्ट ने 15 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में जांच के दे दिए हैं आदेश। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के पुराने भ्रष्टाचार मामले में जन प्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने जांच करने के आदेश दे दिए हैं। आप लोगों को बताते चले, जन प्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने बेंगलुरु में जमीन को गैर अधिसूचित करने के 15 साल पुराने मामले में मुख्यमंत्री येदुरप्पा के खिलाफ जांच बंद करने की अनुमति मांगने वाली लोकायुक्त के द्वारा एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस मामले में येदुरप्पा के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भूमि सौदों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कई नेता बागी हो चुके हैं जिनकी मांग है कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं येदुरप्पा के ऊपर। और अब यहाँ पर कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के आदेश यहाँ पर पारित कर दिए हैं। यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है मुख्यमंत्री येदुरप्पा की। एक और खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों, बिहार में सियासी भूचाल, इस्तीफे की धमकी के बीच दिल्ली पहुंचे हैं मंत्री मदन सहनी। लालू यादव से मुलाकात की अटकलें तेज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जल्द ही लालू यादव एक बड़ा खेला कर सकते हैं बिहार के अंदर। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है। इस्तीफे के ऐलान के 52 घंटे के बाद
मदन सहनी अब दिल्ली चले गए हैं। दिन भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे का इंतजार करते रहे मदन सहनी को मुख्यमंत्री से जरा भी भाव नहीं मिला। अब ऐसे में सहनी का दिल्ली जाना बिहार में नया सियासी बवाल खड़ा कर सकता है। आप लोगों को बताते चलें, ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में मदन सहनी की मुलाकात उन नेताओं से होनी है जो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर करने में माहिर माने जाते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में मदन सहनी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी कर सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति के अंदर, और कई विधायक भी यहां पर जेडीयू से बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो मंत्री हैं और यहां पर जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं वो आमने सामने हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और एनडीए के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। एक और खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की होर्डिंग्स पर फेंकी है स्याही, मोदी हटाओ देश बचाओ का लगाया है जबरदस्त नारा। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के शासनकाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस कदर इजाफा हो रहा है ऐसा इससे पहले किसी भी सरकार के कार्यकाल में कभी भी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि देश के ज्यादातर राज्य में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चली गई हैं। अच्छे दिनों का दावा करने वाली मोदी सरकार ने जनता को गरीबी और बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम किया है। आप लोगों को बताते चलें, जिसके चलते मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के लगातार निशाने पर भी बनी हुई है। हर दिन तमाम विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर या तो चुप्पी साध रखी है या फिर एक के बाद एक अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स पर स्याही फेंक करके अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस दौरान मोदी सरकार हाय हाय और मोदी हटाओ देश बचाओ के नारेबाजी भी की गई है। देख सकते हैं कि अब देश भर में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा अब यहां पर गूंज रहा है सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, बीजेपी का संकट 8 राज्यों में धधक रही है असंतोष की आग, योगी राज के खिलाफ खुलकर के निकली है भड़ास। जी हां दोस्तों, पिछले 7 सालों के दौरान केंद्र में अपनी स्थिति मजबूत करने वाली भाजपा ने बीते कुछ समय में बड़ी संख्या में राज्यों में भी जीत हासिल की है। मौजूदा समय में भी भाजपा अलग अलग राज्यों में सरकार के जरिए देश की करीब 49% जनता पर शासन कर रही है। हालांकि कई राज्य इकाइयों और केंद्रीय स्तर के नेतृत्व में हालिया समय में उभरे मतभेदों ने पार्टी की राहें मुश्किल की हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से लेकर के त्रिपुरा और मध्य प्रदेश तक पार्टी अपने शासन वाले राज्यों में ही तनाव को कम करने में जुटी हुई है, और वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पार्टी विपक्ष में है वहां भी कोरोना की दूसरी लहर के जाते जाते पार्टी अब अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए जूझ रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, यूपी से जो खबर सामने निकल के आ रही है वो यहां पर बीजेपी की नींद उड़ा सकती है। आप लोगों को बताते चलें, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके को लेकर के असंतुष्टि पैदा हुई है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भले ही बीजेपी यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के जीत गई हो 67 सीटों पर, लेकिन आप लोगों को यह भी बताते चले, यूपी में एक ट्रेंड है, यहां जो भी पार्टी 5 साल की सरकार में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतती है वो कुछ दिनों के बाद ही विधानसभा का चुनाव हार जाती है। ये यहां पर यूपी के अंदर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लगातार देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, लगातार बीजेपी के अंदर यहां पर असंतुष्टि पनपती ही जा रही है और बीजेपी के कई नेता ठीक यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, राफेल सौदे पर अब फ्रांस में होगी जांच, अब वहां के जजों को राज्यसभा कैसे भेजेगी भाजपा। राफेल डील को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर से बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक जज को यहां पर नियुक्त भी किया गया है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस विवादों के घेरे में है। इस डील में लगातार भ्रष्टाचार, घूसखोरी और कमीशनखोरी के आरोप लगते आ रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाया और चौकीदार ही चोर है का नारा भी यहां पर दिया था।
हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस डील में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रांस की एक खोजी वेबसाइट मीडिया पार्टी ने दावा किया था कि राफेल डील में करोड़ों रुपए की दलाली ली और दी गई है। मीडिया पार्टी ने कहा था कि इस दलाली में से पैसे भारतीय अधिकारियों को भी दिए गए हैं। इसके बाद फ्रांस के एक भ्रष्टाचार विरोधी एनजीओ सेरपा ने राफेल डील में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद फ्रांसीसी जज ने अब राफेल डील में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और वहीं राफेल डील में किसी भी किस्म का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो कि अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, उन पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर के जरिए रंजन गोगोई पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि रंजन गोगोई ने राफेल डील की जांच की मांग वाली हमारी याचिका को खारिज करने और राज्यसभा जाने के बाद फ्रांसीसी जज ने भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अनुचित एहसान से जुड़े सौदे की जांच यहां पर शुरू कर दी है। इस डील में मोदी और अंबानी की भूमिका पर ध्यान देने की जरूरत है। ये यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आई है। अब रंजन गोगोई पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर है इस मामले को लेकर के। एक और खबर आ रही है सामने दोस्तों, यूपी में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल, सपा ने लगाया खुली धांधली का आरोप। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं 2 पर उसकी सहयोगी जीती है। अब आप लोगों को बताते चले इसको लेकर के, अब यहाँ पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों को हथियाने के लिए डर और लालच का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी हर जिले में प्रशासन का इस्तेमाल एसपी उम्मीदवारों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने और उन्हें धमकाने के लिए कर रही है। पार्टी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से इस संबंध में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में यहां पर एआईएमआईएम पार्टी ने और बीएसपी ने यहां पर खुले तौर पर बीजेपी का ही समर्थन किया है, जिसके बाद यहाँ पर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार बीएसपी और एआईएमआईएम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है और अब यहां पर एआईएमआईएम और बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ ही जनता के भी निशाने पर आ चुकी है और सोशल मीडिया पर लगातार कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, पतंजलि की दवा कोरोनिल बेचने के लिए रामदेव ने किया है एलोपैथी और वैक्सीनेशन को बदनाम, सुप्रीम कोर्ट में डीएमए की अर्जी। आप लोगों को बताते चलें, रामदेव की मुसीबतें चौतरफा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एलोपैथी पर बेहद ही विवादित बयान देने के मामले में अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों और मेडिकल एसोसिएशनों के द्वारा उन पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। मुकदमों से बचने के लिए रामदेव यहां पर सुप्रीम कोर्ट के शरण में पहुंचे, जहां पर उनको तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि उन पर अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई जाए और सारे ही मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो रामदेव ने विवादित बयान दिया उसकी ओरिजिनल वीडियो हमारे सामने पेश की जाए। और वहीं इसी सिलसिले में अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी मैदान में उतरी है। डीएमए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि रामदेव के मामले में उसे भी पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। अर्जी में डीएमए ने कहा है कि इस मामले में रामदेव को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं रामदेव की। एक और खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों, तेल की कीमतों की आग में झुलस रहा है देश, एक बार फिर से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आप लोगों को बताते चलें, देश में आज एक बार फिर से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। आप लोगों को बताते चलें, देश के 4 बड़े महानगरों में आज पेट्रोल 41 पैसे तक और डीजल 24 पैसे तक यहाँ पर महंगा हुआ है। देख सकते हैं कि आम जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर तेल की कीमतों की आग में लगातार झुलस रहा है देश और दिन पर दिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल एक नया रिकॉर्ड स्तर बना रहे हैं। एक और अपडेट आ रही है सामने निकल के दोस्तों,
नीतीश सरकार के दो मंत्री आए हैं आमने सामने। जेडीयू के मंत्री ने बीजेपी के मंत्री को दी है सीमा में रहने की चेतावनी। आप लोगों को बताते चले, बिहार की नीतीश सरकार में अफसरशाही को लेकर के उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। अफसरशाही से परेशान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अफसरों से तालमेल बिठाने की सलाह देने वाले श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा को इशारों ही इशारों में दलाल तक कह दिया है। सहनी ने कहा है कि हम राजनीतिक प्राणी है, कोई दलाल नहीं है कि अधिकारियों से तालमेल बिठाएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों बिहार एनडीए के अंदर हलचल दिखाई पड़ रही है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।